हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम बैठे हैं यहाँ अपने घर में। वहाँ गर्मी ज़्यादा सी लग रही थी ना, सुबह सुबह सूरज निकलते हुआ आवे वहाँ पे, और बारिश के बाद ना थोड़ी सी घुटन वाला माहौल बन गया। टेम्परेचर तो कम हुआ, राहत भी है थोड़ी सी, और बारिश शुरू हो गई है। तो लगातार अब देखते हैं भाई कितनी होगी। तो भाई कई दिनों से थे हमारे प्लान बाहर के, बाहर हम लोग जा रहे थे, कहीं से इनविटेशन था, कहीं पे काम था कुछ। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। और आपको पता ही है भाई, एक गाड़ी भी ली थी हमने अभी हाल ही में। तो भाई नई नई चलाने का शौक भी होता है, हर चीज़ जो घर में आती है ना, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो साइकिल हो, या फिर ये गाड़ी है। तो भाई इसलिए कुछ टूर जो है ना अनायास ही बन रहे हैं कि चलो वहाँ तक चलते हैं गाड़ी लेके। और कुछ मैं सीख भी रहा हूँ, पहले से मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे चला भी रहा हूँ। हालांकि दूर जाते हैं तो भाई अपने जो ड्राइवर साहब हैं उन्हें लेके चलते हैं हम साथ में। तो बीच में मुझे दे देते हैं वे कई बार हाईवेज पे भी, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे होने लग रहा है अभी। तो भाई ये सब आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग अपना आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो इसी बीच में कई दिनों से भाई कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ चल रहा है, मतलब उसे नेगेटिव समझ लो या भाई पॉजिटिव समझ लो। हेटिंग समझ लो या पॉजिटिव समझ लो। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं कि हर आदमी का अपने घर का मैनेजमेंट अलग होता है, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहता हो, चाहे वो सेपरेट रहता हो अपने बच्चों के साथ में, सबका मैनेजमेंट एक अलग तरीके से होता है। बहुत सारे लोग हमारे शुभचिंतक हैं जिन्हें ये सब चीज़ें पसंद आती है, रिलेट करते हैं हमसे कि भाई चलो ठीक चल रहा है। और उस बीच में भी कुछ लोग जो है ना निगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही फैला देते हैं, उसमें कई तरह की होती है। देखो अगर आप लोगों में से कुछ लोग हमारी गलतियाँ बताएंगे तो हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई इसमें सुधार करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कई बार हमने इस बीच में उन गलतियों पर ध्यान दिया, सुधार भी किया है। ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं बात मान ली। तो देखो संपूर्ण तो कोई नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। गलतियों में सुधार जो करता जाए बताने के बावजूद, वो थोड़ा थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है तो बढ़िया लगता है। तो कमेंट सेक्शन में 1 या 2% लोग कुछ ऐसे आ रहे हैं फिलहाल जो ना तो निगेटिव हैं ना हेटर्स हैं, वो अजीबोगरीब तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आप लोग जितने भी शुभचिंतक हैं, हमारे सपोर्टर हैं और बहुत प्यार देने वाले हैं, सब आप लोग कहते भी हैं कि नेगेटिविटी की तरफ जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कुछ सारे लोग बहुत बार इकट्ठे होकर कुछ जवाब भी मांगते हैं, तो हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अच्छा लेकिन उनमें से भी कुछ लोग क्या है कि जवाब देने को क्या समझते हैं कि आ गए बैठ गए सफाई देने, मतलब जवाब भी चाहिए और जवाब दे दिया तो तो फिर सफाई बताते हैं। सफाई देने लगे। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो वर्ड्स कुछ ऐसे बोले जाते हैं ना, उनसे दिल दुखता है, फिर जवाब तो देखो देना बनता ही है। सोशल मीडिया है ये, हमें भी पता है कि इस पे कोई किसी भी तरह का लिख सकता है, और सब का सब जो है स्वीकार्य होना चाहिए, और जिसकी हम कोशिश भी कर रहे हैं कि चलो सब स्वीकार करते हैं भाई जैसा जो भी लिख रहा है। और कई बार ना इंटरनली लोग जो है ना आत्मा दुखाने वाली बात कर देते हैं। तो देखो इसमें जो प्रायोरिटी पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो सबसे पहला तो ये आ रहा है कि सुनील और बबली और उसके बच्चे फ्री का खा रहे हैं इस घर में। तो जी देखो फ्री का तो कहीं से नहीं मिलता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है खाने के लिए भी, और जहाँ से भी इंतजाम हो रहा है वो भगवान को पता है, आप लोगों में से बहुत सारों को पता है, सारे शुभचिंतक जितने हैं, सपोर्टर जितने हैं, आशीर्वाद देने वाले जितने हैं, सबको पता है कि भाई कहाँ से खाने का इंतजाम हो रहा है। और बाकी कोई कहने को कुछ भी कह ले, हम लोगों का काम है मेहनत करना। जो रास्ता ऊपर वाले ने हमें दिखाया, हम उसके ऊपर मेहनत करें। हम नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, गिनती नहीं है कितने आ रहे कितने जा रहे, कुछ पता नहीं। अच्छा लेकिन फ्री का भी क्या है कि भाई अरविंद की कमाई खा रहे हैं, अरविंद खर्चा करता है घर में, ये बात ठीक है, खर्चा करता है, वो भी करता है, मैं भी करता हूँ, बाकी सारे भी करते हैं, कमाने में सबका हाथ है और ये खर्चा भी सभी का है। और एक एक जने के उससे खर्चों से इतना बड़ा परिवार नहीं चल सकता बिल्कुल भी। कोई खर्चा तो इधर को कर रहा तो कोई इधर को कर रहा। भाई जैसे कि अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, अरविंद घर आया हुआ है, तो भाई वो खर्चा कर रहा है, वो अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे खर्चा करता हूँ, तो भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। देखो 2020 के हिसाब से तो बिल्कुल चल नहीं सकता कि 20 तेरे 20 मेरे,
ऐसा नहीं हो सकता कि 5 किलो चीनी तू लेके आ भाई, 250 ग्राम चाय की पत्ती मैं लेके आऊँगा। ऐसा तो नाप तोल के चल नहीं सकता, और 19-20 रहता ही है। ये एक मैनेजमेंट है जैसा भी चल रहा है, और हमारे हिसाब से मैं समझता हूँ कि हम जो अभी फ़िलहाल कर रहे हैं उससे काफ़ी संतुष्टि है, संतुष्ट हैं सब लोग, तो मिलजुल के जो है जीवन चल रहा है। हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ही लोग 1-2% हाँ, हैं, और वो आते हैं कभी कभी, उनका भी सीजन आता है। अब ये सीजन सा आ रहा है पिछले एक हफ्ते से, और पहले भी आया था 2-3 महीने ये पहले। ज़्यादा बोलते हैं प्रीति के ऊपर वर्कलोड है इसलिए वो बीमार है, बब्बू की वजह से बीमार है। भाई मैं थोड़ा बीमार करूँगी मुझे खुशी थोड़ा होगी, मुझे तो परेशानी होगी, मुझे बहुत सारे काम बीमारी करने पड़ेंगे। बीमारी का कुछ नहीं पता है नहीं तो शरीर में। हमारी सास भी, मैं, प्रीति सब मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ही वर्कलोड है। घर का काम सब करते हैं, कई बार तो आदमी जो है ना अपनी हदों से भी, मतलब बहुत, जिसकी ग्रेविटी बहुत हाँ, नीचे जा रही हो ऐसे कमेंट करते हैं। ये गाड़ी तुमने बबली बहुत चालाक है अपने नाम करवा ली, घर भी बना लिया अपने नाम करवा लिया, सब कुछ अपने नाम कर लिया, एक दिन ये सबको निकाल देगी। अरे भाई मैं क्यों निकाल लूंगी, इसके तो सब राजा बदलते रहे, आज हम है कल कोई और है, उससे अगली बार कोई और है, कुछ पता नहीं। देखो ये सब भी आपके सपोर्ट से हुआ है, गाड़ी भी ली है, नई नई है, चलाने का शौक मुझे भी लग रहा है, तो इसलिए चक्कर भी ज़्यादा लग रहे हैं। और जितने हमारे इस बीच के जरूरी काम है वो भी हमें करने जरूरी थे, आज अपनी है तो अपनी में जाते हैं, नहीं तो हमें फिर किराए पक्की पे जाना पड़े था, बताओ। तो चलो जी, कमेंट करने से तो हमें भी पता है कि स्वतंत्रता है लिखने की, सब अपना ओपिनियन अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन कई बार ना हर्ट करने वाले भी लिख देते हैं, ये नौकर है घर में, फलाना नौकर है घर में, तो नौकर तो सभी हैं भाई, और जो भी काम कर रहा है वो नौकर ही है। कुछ एक जो एक आध है वो उससे भी नीचे की लाइन लिख देता है कि ये तो हराम का खा रहे हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन आदमी पता नहीं घर की निकाल रहा है, अपने जीवन में जो कुछ चल रहा है उसकी निकाल रहा है, हताश वो इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाया, हताश हो रहा है। निकाल रहा। कई सारे हैं जिनकी व्लॉगर्स की आईडी है और उन्होंने वीडियोस भी डाले हैं, वो बहुत घटिया कमेंट्स कर रहे हैं। देखो हताश हम भी हुए थे, पर हमने कभी किसी को ऐसा नहीं लिखा, आज तक भी नहीं लिखा हमने, तो देखते हम बहुत सारे व्लॉग लेकिन कभी भी गलत कमेंट नहीं लिखा। किसी ना किसी व्लॉगर को देख के हम भी मोटिवेट हुए थे, उनसे सीख के, उन्हें देख के हमने भी ये बनाया था, शुरू किया था। हमसे पहले जो बहुत सारे व्लॉगर हैं उन्हें भी हम देखते हैं, बाद वाले जो हैं उन्हें भी देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो उसकी भड़ास जो है वो बुरे शब्द लिख के निकाली जाए। तो भाई मेहनत करिए, लगातार करिए, कहीं से मोटिवेशन लीजिए, और अगर घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो भाई कहीं ना कहीं से जो है उसका उपाय कुछ करिए। ऐसे हताशा निकालने से और किसी को बुरा भला लिखने से बेहतर है कि अपने आप पे खुद पे काम करिए, और कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। तो भाई बस यही था, यही कहना चाहते थे हम कि भाई अगर हमारा कुछ चल नहीं रहा है ज़िंदगी में, उथल पुथल है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, बीमार हैं, तो उसका इलाज उसी तरीके से करिए जैसा उस पर सूट बैठता है। बॉडी में कुछ दिक्कत है उसका इलाज करवाइए, और अगर नहीं भी बात बन रही हो तो भाई किसी साने भगत को भी दिखा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई उपाय सब चीज़ हैं इस दुनिया में, और सब चीज़ जो है एग्जिस्ट करती हैं, तो हर तरीके का उपाय भी है, हताशा निकालने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ यह है कि भाई किसी भी व्यक्ति के जो शब्द है ना, उसकी परवरिश, उसका चरित्र सब कुछ बता देते हैं, शब्दों में सब कुछ छिपा है, चाहे वो लिख के बताए कोई, चाहे वो बोल के बताए, तो वो आईना होते हैं पिछले बैकग्राउंड का भी शब्द। तो उसने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या उसे सीखा, ठीक है, हमारी गलती, हमारी गलतियाँ बताइए, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे जलील करने से क्या फ़ायदा भाई, बुरा तो सबको ही लगता है, गलतियाँ भी सबसे होती है, भगवान तो हम है नहीं, हेटर्स भगवान के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मान लिया भगवान से कुछ मांगा वो नहीं दिया तो उससे भी हेट करने लगते हैं लोग। तो जी अपना खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे पहले उन प्यारे सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे सपोर्टर, शुभचिंतक, उन सबको बहुत सारा, ढेर सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपके सामने नए नए रोज़ व्लॉग लाते रहेंगे, और कंटेंट में बदलाव की भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ट्रैवल का या किसी चीज़ का आपको कुछ दिखाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताते रहना भाई क्या हम ख़राब कर रहे हैं। लिख के आदमी इसलिए बता देता है कि भाई हम उसे पकड़ नहीं सकते। अपने दिमाग में थोड़ी सी शांति रखिएगा, जो भी 1-2% वो हैं, और अब तो जो है टेम्परेचर भी डाउन हो गया, बारिश शुरू हो गई है, और ज़्यादा हताश मत होइए, ज़िंदगी के ये दौर हैं,
ये आते रहेंगे, सब पे आते हैं, हम पे भी आए थे, डिप्रेशन भी आए थे, सब चीज़ आए थे, लेकिन किसी को ना तो बुरा कहा ना बुरा लिखा। तो बस आज यही बताने के लिए यहाँ बैठ गए थे भाई सुबह सुबह, क्योंकि कुछ लोग जवाब भी मांग रहे थे इस चीज़ का। और भाई बस यही है, मैनेजमेंट जैसा भी चल रहा है हमारे हिसाब से तो ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और भाई मिलजुल कर ही रहे हैं। भगवान से उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे ही गड्डी जीवन की चलती रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी तो भगवान के हाथ में है कि आगे होना क्या है। कुल मिला के ये है, काफ़ी संतुष्टि सबको है फैमिली में, और जीवन है जी ये तो कटना ही है, सेपरेट हो जाओगे तब भी कटना है, इकट्ठे रहोगे तब भी कटना है, ये तो चलता ही रहना है, हर सेकंड हर मिनट हर घंटे जो है बीत ही रहा है। फिलहाल पसीने भी आ गए देखो, सुबह सुबह 8:15 होंगे। तो जी चलो इसी के साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और जो अच्छा लिखे उसका भी भला और जो नहीं लिखे उसका भी भला। और तो, आप सबका कुल मिला के बहुत बहुत धन्यवाद, और सबका भला हो, मालिक सबका भला करे। थैंक यू जी, कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम, राम।